बारे में बात करें। पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद तुम्हारा जो डेजिग्नेशन है ना वो पर्सनल सेक्रेटरी का नहीं होगा, ऑफिस इंचार्ज का होगा। पर्सनल सेक्रेटरी में रिलेशनशिप जस्ट मेरे साथ ही है। पापा बहुत ज्यादा बीमार हैं जिनकी वजह से मैं जॉब करना चाह रही हूँ। मेरी मम्मा ज़ईफ हो चुकी हैं। मेरी एक बेटी की उम्र 7 साल है और 3 साल का बेटा। जॉब ना होने की वजह से फिर मेरे बच्चों की पढ़ाई काफी स्टॉप हो गई थी, फिर हस्बैंड भी नहीं थे साथ। तो अब काफी अच्छे बाद मैंने फिर बच्ची को स्कूल में वो किया है। वो काफी नीडी हूँ जॉब की, वालिद का भी है, वालदा भी है मेरे ऊपर, और 2 बच्चों का भी साथ है। तो जी जिम्मेदारियाँ काफी हैं। तो अबाया हटाना नहीं तो हटाओ। मतलब अबाया हटा के क्या करना है? अरे कहा था कि रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप में समझी नहीं मुझे। तो जॉब की वो थी ना नीड के, मैंने जॉब के लिए आना है, तो सेटिस्फाई लिखा हुआ था। किस तरह का सेटिस्फाई और रिलेशनशिप? ये मतलब फर्स्ट टाइम बंदा इस तरह आए हो अपनी मजबूरी में काम के लिए, जॉब के लिए। मतलब मेरा बिल्कुल भी ऐसा माइंड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या एक्स वाई ज़ेड। अच्छा तो तुम नहीं है उसके लिए प्रिपेयर? मतलब आपसे तो जॉब के लिए आई थी ना मैं, आपने कहा जॉब, मतलब किस तरह का? मुझे लगा शायद जॉब हो जाएगी क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना काफी, मेरे वालिद साहब काफी बीमार हैं। जॉब तो जब जाए मैंने तुमसे लिखा था कि आज सेटिस्फाई करोगी तो कल से ज्वाइनिंग होगी। सेटिस्फाई